के इम्तिहान और इंतजार के बाद नतीजा आ चुका है। सलमान खान की ट्यूबलाइट एक फ्लॉप है या हिट, चलिए पता करते हैं। वेल, ट्यूबलाइट को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद अनुसार रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से काफी कुछ कहा और सुना गया। हालांकि काफी लोग सोशल मीडिया पर ट्यूबलाइट को एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर तक का खिताब दे चुके हैं, लेकिन आपको बता दें, ट्यूबलाइट एक फ्लॉप नहीं लेकिन एक बिलो एवरेज फिल्म जरूर है। जी हाँ, हाल ही में जब इस फिल्म का नतीजा निकला तो इसे बिलो एवरेज बताया गया, जबकि सलमान खान स्टार ट्यूबलाइट से कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ने और बनाने की उम्मीदें की गई थी। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये उन उम्मीदों पर खरी उतरी है। ना केवल ये फिल्म इस साल की सेकेंड हाईएस्ट ओपनर बन गई, बल्कि ये 2017 की फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन चुकी है। इसीलिए जो कोई भी इस फिल्म को फ्लॉप का करार दे रहा था, अब वक्त आ चुका है कि वो अपने इन प्रेडिक्शंस और आइडियाज को थोड़ा बदल लें। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। शाहरुख खान की एक्टिंग स्किल्स का उनके ह्यूमर और बातों से ही पता चल जाता है। शाहरुख अपने लेक्चर्स में तो जैसे शब्दों की पश्मीना धागों से खुशियां बुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले टेड टॉक की ही बात ले लीजिए, जहां शाहरुख के लेक्चर से वहां मौजूद सभी मोहित हो गए थे। और अब टेड टॉक के बाद बारी है ऑक्सफोर्ड की। जी हाँ, शाहरुख को ऑक्सफोर्ड में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया है। एक लीडिंग डेली के साथ इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने इस बात को कंफर्म करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और फिलहाल वो अपनी डेट्स पर वर्कआउट कर रहे हैं। वेल, जब ज्यादातर सेलिब्रिटीज इन लेक्चर्स में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, वहीं शाहरुख ने टेड टॉक के दौरान जिंदगी के कई और पहलुओं के बारे में बात किया था। और अब ये देखना होगा कि ऑक्सफोर्ड के लेक्चर में वो किस विषय पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ।